हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल दोस्तों ये स्पोर्ट ट्रेनिंग का पांचवा पार्ट है इससे पहले मैं स्पोर्ट ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स जो पांच कंपोनेंट्स होते हैं मुख्य रूप से स्ट्रेंथ इंडोरेंस फ्लेक्सिबिलिटी स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन उसमें से स्ट्रेंथ इंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बता चुकी हूँ उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के स्पोर्ट ट्रेनिंग के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं एंड आज का टॉपिक है चाल यानी स्पीड के बारे में स्पीड यानी चाल क्या होती है इसके बारे में जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और अक्सर लोग इस चाल वाले सभी टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं इसमें बहुत सारे एक्सलेशन लोकोमोटर, को मोटरबिलिटी स्पीड इन आते जो परीक्षा में बहुत ही घुमा पूछा जाता है और इसके डीपली अध्ययन आपको करना बहुत आवश्यक है इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक होते होते आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा तो चलिए दोस्तों जानते हैं स्पीड क्या है दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि जो हमारा स्पीड है इस सबसे कम प्रशिक्षणात्मक है यानी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इवेंट सबसे कम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है कौन सा इवेंट सबसे कम प्रशिक्षणात्मक है तो उसका सही आंसर होगा चार यानी स्पीड स्पीड में जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इसको ज्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है इसमें जनजात हर प्राणी में विद्यमान होती है कुछ ना कुछ ठीक है ये दोस्तों स्पीड किसे कहते हैं जैसे आप कोई दूरी दौड़ते हैं शुरू से अंत तक यानी एक किलोमीटर या दो किलोमीटर कितना भी तो जहां से शुरुआत करते हैं और जहां अंत करते हैं उससे बीच की दूरी आप कितना समय में पूर्ण किए यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी को कम से कम संभावित समय में पूरा करना ही क्या होता है स्पीड कहलाता है इस दो प्रकार से होता है चक्रीय क्रिया द्वारा एंड अचक्रीय क्रिया द्वारा चक्रीय क्रिया वह होता है जिसमें वे क्रिया इसमें शामिल होती है जिसमें इकाई समय में दूरी तय की जाती है यानी एक निश्चित समय में दूरी तय करने की आवश्यकता होती है जैसे दौड़ हो गया इसमें एक निश्चित समय में दूरी तय करने की आवश्यकता होती है क्रियाओं में आती हैं क्योंकि ऐसा पूछ सकता है किसौ मीटर दौड़ चार सौ मीटर दौड़ किस क्रिया में आती है चक्रीय क्रिया में कि अचक्रीय क्रिया में तो आप क्या आंसर देंगे चक्रीय क्रिया में क्योंकि जिसमें इकाई से एक निश्चित समय में दूरी तय करने की आवश्यकता होती है वो चक्रीय क्रिया होती है जैसे दौड़ आदि अचक्री क्रिया क्या होती है जिसमें दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं होती है जैसे हमारा बॉक्सिंग जिम्नास्टिक हो गया दोस्तों अब बात करते हैं चाल यानी स्पीड कितने प्रकार की होती है दोस्तों चाल यानी स्पीड पांच प्रकार की होती है रिएक्शन एबिलिटी यानी प्रतिक्रिया योग्यता एक्सीलरेशन एबिलिटी यानी त्वरण योग्यता मोमेंट आप स्पीड यानी गति की चाल लोकोमोटर एबिलिटी यानी प्रचलन योग्यता स्पीड एंड्योरेंस यानी चाल सहनशीलता दोस्तों इस पांचों के बारे में आपको अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि बिना समझे इसका आंसर नहीं दिया जा सकता रटने से तो दोस्तों इसका ट्रिक आप बना लीजिए रामल्स आर ए एम एल एस याद करने के लिए राम लस यानी आर ए एम एल एस ठीक है राम लस यानी आर से रिएक्शन एबिलिटी प्रतिक्रिया योग्यता आर ए एम ए से एक्सीलरेशन एबिलिटी त्वरण योग्यता एम से मूवमेंट ऑफ स्पीड यानी गति की चाल यल से लोकोमोटर एबिलिटी यानी प्रचलन योग्यता यस से स्पीड इंड्रेंस यानी चाल सहनशीलता चलिए जानते हैं इन पांचों के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन एबिलिटी यानी प्रतिक्रिया योग्यता यानी किसी चीज पर जल्दी से जल्दी प्रतिक्रिया कर देना यानी कि वह गामक क्षमता यानी वह क्षमता जो एक संकेत पर जल्दी व सही रूप से प्रतिक्रिया करती है एक संकेत मिलते ही वो उसमें प्रतिक्रिया कर दे जैसे आंखों से देखकर कानों से सुनकर खेलों के दौरान स्थिति के अनुसार जैसे कि 100 मीटर फराटा दौड़ में बंदूक की आवाज द्वारा संकेत मिलना अब मिलते ही संकेत मिलते ही वो प्रतिक्रिया कर देता है फटाक से दौड़ना स्टार्ट कर देता है वो अपने स्पीड में आ जाता है तो रिएक्शन एबिलिटी क्या होता है कि हमारे जो संकेत होते हैं संकेतों पर जल्दी से जल्दी प्रतिक्रिया करना चाहे आंखों से देखकर कानों से सुन, सुनकर एक सौ मीटर का आपका बंदूक की आवाज होती है बंदूक की आवाज यानी सुनते ही संकेत मिलते ही वह तुरंत दौड़ स्टार्ट कर देता है यानी कि संकेत मिलते ही तुरंत प्रतिक्रिया करना ये आपका रिएक्शन एबिलिटी में आता है रिएक्शन एबिलिटी दोस्तों जटिलता के आधार पर यानी प्रतिक्रिया योग्यता जटिलता के आधार पर यह भी दो प्रकार का होता है एक साधारण प्रतिक्रिया योग्यता यानी सिंपल रिएक्शन एबिलिटी दूसरा जटिल प्रतिक्रिया योग्यता यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी साधारण प्रतियोगिता योग्यता जो है वो इसमें चार पार्ट होते हैं चार विधियां होती हैं जैसे कि पुनरावृत्ति विधि अंश विधि यानी पार्ट मेथड, संवेदी विधि एंड सेंसरी मेथड सामान्य विधि एंड जनरल मेथड पुनरावृत्ति विधि यानी रिपीटेशन मेथड में क्या होता है कि इस विधि में साधार प्रतिक्रिया योग्यता को प्रतिक्रिया समय व्यायामों के साथ विकसित किया जाता है संकेत के साथ शीघ्रता और तेजी से क्रिया करके बार बार व्यायाम को दोहराया जाता है यानी संकेत के साथ इसमें अभ्यास कराया जाता है कि संकेतों पर हम प्रतिक्रिया कैसे करें कि संकेत के साथ शीघ्रता से तेजी से क्रिया करके बार बार जो अभ्यास होता है यानी व्यायाम होता है उसको दोहराया जाता है जितने तेजी और शीघ्रता से संभव हो सके उतना तेजी से करने का अभ्यास कराया जाता है अंश विधि यानी पार्ट मेथड में क्या होता है जैसे पार्ट नाम ही हो गया पार्ट बाई पार्ट डिवाइड किया जाता है इसमें गति की चाल को विकसित करने के साथ साथ गति के समय प्रतिक्रिया समय को अलग अलग विकसित किया जाता है पार्ट मेथड हो गया अंश मेथड यानी अलग अलग भागों में बांट कर उसका उसको क्रिया के कराया जाता है या विकसित किया जाता है यही आपका पार्ट मेथड होता है चाहे गति के समय हो गया और प्रतिक्रिया समय दोनों को अलग अलग पार्ट में बांट कर विकसित किया जाता है सेंसरी मेथड यानी संवेदी विधि इसमें क्या होता है कि इस विधि में संवेदना के समय को विकसित किया जाता है जैसे कि प्रथम पुनरावृत्ति के बाद

और दूसरी बार वो एक दशमलव एक सेकेंड में दिया और तीसरी बार में प्रतिक्रिया हुआ एक दशमलव जीरो सेकेंड यानी एक सेकेंड में दिया इस प्रकार इंप्रूवमेंट किया कराया जाता है एंड दूसरा है जटिल प्रतिक्रिया योग्यता कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी में दोस्तों दो चीजें आती है पूर्वानुमान और अनुक्रिया कि पूर्वानुमान हम किसी चीज का कैसे लगा सकते हैं तो दोस्तों जैसे कि यह जो होता है साधारण जटिल प्रतिक्रिया योग्यता साधारण प्रतिक्रिया योग्यता से लंबी अवधि की होती है और इसको विकसित करना बहुत कठिन होता है क्योंकि यह प्रतिक्रिया समय और गति पर निर्भर नहीं होती है यह अपनी बल्कि हमारे सोच पर निर्भर करती है हमारी गहनता पर निर्भर करती है हमारे पूर्वानुमान अनुक्रिया पर निर्भर करती है इसलिए पहले खिलाड़ी को पूर्वानुमान को विकसित करना पड़ता है जटिल प्रतिक्रिया एकता में इसे पूर्वानुमान के तीन अवस्थाओं में बताया जाता है प्रारंभिक द्वितीय और अंतिम अवस्था यदि पूर्वानुमान गलत है तो परिणाम भी गलत होगा इसी प्रकार अनुक्रिया स्वतः ही विकसित हो जाएगी ठीक है पूर्वानुमान जैसा रहेगा उस तो अनुक्रिया ही विकसित होगा तो पूर्वानुमान अनुक्रिया दो आपकी जटिल प्रतिक्रिया योग्यता के घटक होते हैं जैसे कि बास्केटबॉल में अगर बास्केट डालना है तो हम पूर्वानुमान लगाते हैं कि कैसे हम कितना एंगल पर फेंके उसमें जाकर बास्केट में चला जाए तो दोस्तों ये था आपका रिएक्शन एबिलिटी यानी कि गति के पहला प्रकार पांच प्रकार में से रिएक्शन एबिलिटी के बारे में मैंने बताया अब बात करते हैं त्वरण योग्यता यानी एक्सीलरेशन एबिलिटी सबसे पहले आप तो जाने कि एक्सीलरेशन होता क्या है यानी त्वरण क्या होता है त्वरण जो होता है कि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है जैसे कोई वस्तु हो गया ऑब्जेक्ट हो गया तो उसके वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं एक्सीलरेशन कहते हैं त्वरण कहते हैं तू तो कैसे कहते हैं तू तो त्वरण उसको कहते हैं लेकिन यह क्या है त्वरण योग्यता यानी एक्सीलरेशन एबिलिटी होती क्या है इसको आपसे बहुत गहनता से जानना होगा क्योंकि इस बार क्वेश्चन पूछा था कि कम से कम संभावित समय में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को क्या कहते हैं बहुत लोग गलती करके आ गए थे तो दोस्तों एक्सलेरेशन एबिलिटी जो त्वरण योग्यता होता है यह वह क्षमता होता है जो चाल की उच्च गति को प्राप्त करने में सहायक होता है यानी उच्च गति को प्राप्त करने में सहायक होता है कैसे कि कम से कम संभावित समय में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता ध्यान रखिएगा कम से कम संभावित समय है अगर अधिक से अधिकतम समय में अधिकतम गति बनाने की योग्यता अगर पूछ देगा तो वहां पे लोकोमीटर एबिलिटी होगा यदि कम समय में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता पूछेगा तो वहां पे एक्सिलेशन एबिलिटी यानी त्वरण योग्यता होगा इसमें डिफरेंट आपको करना बहुत आवश्यक है तभी आप क्वेश्चन के सभी सही आंसर दे पाएंगे तो क्या है त्वरण योग्यता वह क्षमता जो चाल की उच्च गति को प्राप्त करने में सहायक है यानी कम से कम संभावित समय में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता ही हमारी एक्सीलरेशन एबिलिटी है यानी जैसे कि हम दौड़ ये ज्यादातर तो लागू हमारे स्प्रिंट दौड़ों में सौ दो सौ चार सौ मीटर की दौड़ों में होता है यानी कि इसमें हमारी तीव्रता जो होती है हमारी इंटेंसिटी जो होती है वो नाइन्टी से हंड्रेड होती है जैसे कि मैंने बताया है कि जितनी जितनी ज्यादा कम समय की क्रिया होगी हमारी इंटेंसिटी यानी तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी यानी ये कहा है कि कम से कम संभावित समय में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता तो वहां पे आपकी तीव्रता जो होती है इंटेंसिटी होगी जो आप अपना क्षमता लगाएंगे वो हंड्रेड परसेंट लगाएंगे तो हम ये हमारी इंटेंसिटी 90 से हंड्रेड परसेंट तक होगी ठीक है इसमें क्या होता है कि कम से कम संभावित समय में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता विकसित की जाती है जैसे कि योग्यता होती है जैसे कि यह हमारे छह सेकेंड की छह सेकेंड की क्रिया इसमें आती है कम से कम यह कितना समय में पूरा किया जाता है छ सेकेंड में छह सेकेंड में यानी कि कम से कम बीस से चालीस मीटर दूरी या अधिक से अधिक साठ मीटर की दूरी को में पूरा किया जाता है छह सेकंड में अधिकतम गति प्राप्त किया जाता है तो यही आपकी एक्सीन एबिलिटी होता है जैसे कि आपने एक संकेत पर बंदूक का आवाज सुनते ही रिएक्शन एबिलिटी की यानी कि प्रतिक्रिया दिए उसके बाद तुरंत ही आप, आप कम से कम समय में अधिकतम गति प्राप्त किए यानी छह सेकंड के अंदर बीस से चालीस मीटर आप पूरा किए यानी अधिक से अधिक साठ मीटर पूरा किए तो ये आपका एक्सीन एबिलिटी होता है कम से कम संभावित समय में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता दोस्तों ये तो आप समझ गए एक्सिलेटर एबिलिटी क्या होता है तो दोस्तों अब तीसरा प्रकार है स्पीड का मूवमेंट आप स्पीड या वेलोसिटी यानी गति की चाल जैसे कि दोस्तों आप स्पीड के बारे में जानते होंगे कि स्पीड वो होता है जिसमें दिशा निर्धारित होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को एक इकाई समय में पूरा करना ही आपका स्पीड कहलाता है

जाने कि कम से कम संभावित समय संभ अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता जबकि गति की चाल में क्या है कि वह क्षमता जो कम से कम समय में गति प्रारंभ करे यहाँ प्रारंभ करे कम से कम समय में गति प्रारंभ करें वही आपकी गति की चाल है यह चक्री खेलों में अधिक होता है यानी कि दौड़ो में अधिक होता है यानी अचक्री खेलों में अधिक होता है चक्री खेलों में इसका महत्व प्रथम चरण में होता है यानी जैसे ही दौड़ आप स्टार्ट कर रहे हैं यानी गति प्रारंभ कर रहे हैं वहां पे एक ज्यादातर महत्वपूर्ण होता है कई खेलों में इसी के आधार पर जैसे कि हम स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमिंग में एक आय मुड़ना हुआ तो उसमें तुरंत आप गति की चाल बदल रहे हैं स्विमिंग में मुड़ते वक्त बाधा दौड़ में बाधा पार करते वक्त आप गति अपना बढ़ा देते हैं या गति प्रारंभ करते हैं ये तो हुआ आपका गति की चाल एंड इस नेक्स्ट यानी गति के चौथा प्रकार है आपका लोकोमोटर एबिलिटी यानी प्रचलन नहीं होता। दोस्तों से से नाम से ही आपका समझ में आ जाएगा कि लोकोमोटर एबिलिटी यानी प्रचलन योग्यता यानी प्रचलन काफी समय तक उस चीज को बरकरार रखना प्रचलन का मतलब होता है बहुत कोई भी चीज बहुत पहले से प्रचलित है वो बहुत लंबे समय तक चलता आ रहा है वही चीज तो यानी कि इसमें क्या है लोकोमोटर एबिलिटी में कि उच्च चाल को अधिकतम समय या दूरी तक बरकरार रखा जाए जो हमारा उच्च चाल है उसको हम अधिकतम समय तक या अधिकतम दूरी तक बरकरार रखेंगे उसी चाल को तो हमारा लोकोमोटर एबिलिटी होता है यानी प्रचलन योग्यता यानी एक प्रचलित उसको अधिकतम समय तक वही उसी चाल से प्रचलित रखो यानी किस चाल को उच्च चाल को निम्न चाल यहाँ पे नहीं कह रहा है शब्दों पर ध्यान दीजिएगा उच्च चाल को अधिकतम समय या दूरी तक बरकरार रखा जाना है ये लोकोमोटर एबिलिटी है प्रचलन योग्यता है यानी कि अधिकतम समय में अधिकतम दूरी अधिकतम समय में अधिकतम गति बनाए रखना यही आपका लोकोमोटर एबिलिटी है यानी अधिकतम समय में अधिकतम गति बनाए रखने की योग्यता ही हमारी लोकोमोटर एबिलिटी है जैसे कि दोस्तों आप मैंने एक्सीनेशन एबिलिटी में क्या बताया था कि कम सम से कम संभावित समय में कम से कम संभावित समय में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता आपका एक्सीलरेशन एबिलिटी यानी त्वरण योग्यता है जबकि वह क्षमता जो कम से कम समय में गति प्रारंभ करे वो आपका मोमेंट ऑफ आप स्पीड यानी गति की चाल है यानी कि अब नेक्स्ट है अधिकतम समय में अधिकतम गति बनाए रखने की योग्यता यानी कि उच्च चाल को अधिकतम समय या दूरी तक बरकरार रखा जाए यह आपका लोकोमोटर एबिलिटी है इसमें आपका डिफरेंट समझना वेरी इंपॉर्टेंट है नहीं तो आप इसमें का उसमें लगा के आ जाएंगे तो दोस्तों कुछ ही खेलो इस प्रथाओं में जैसे कि ट्रैक एंड फील्ड में सौ दो मीटर दौड़ में साइकिलिंग की छोटी दौड़ में ये सब लोकोमोटर एबिलिटी आपका प्रचलन योग्यता बरकरार रखा जा सकता है यानी कि उच्च चाल को अधिकतम समय में अधिकतम समय या दूरी तक बरकरार आपके स्प्रिंट दौड़ों में ही रखा जा सकता है जबकि लंबी दूरी की दौड़ों में आप उच्च चाल को अधिकतम समय तक नहीं बरकरार रख सकते हैं ठीक है तो ये पे लागू होता है स्प्रिंट दौड़ों में साइकिलिंग की छोटी दौड़ों में ट्रैक फील्ड में ठीक है नेक्स्ट है आपका गति का पांचवा प्रकार है स्पीड यानी चाल सहनशीलता दोस्तों इंदुरेंस शब्द आ गया तो आप समझ लीजिए कि थकान की स्थिति में लंबे समय तक कोई कार्य करने को कह रहा है तो का मतलब ही होता है कि थकान की स्थिति में लंबे समय तक कोई कार्य करना क्या पे स्पीड जुड़ गया है यानी स्पीड तो क्या हो जाएगा कि थकान की स्थिति में उच्च चाल के साथ दौड़ने की योग्यता क्या स्पीड जुड़ गया है तो उसके अनुसार परिभाषा बना लीजिए कि थकान की स्थिति में उच्च गति यानी चाल से दौड़ने की योग्यता ही हमारी स्पीड इन्दोरेंस है यानी हम थक गए हैं फिर भी हम उच्च चाल से एकदम स्पीड से दौड़ रहे हैं यानी हमारे में मेरे में थकान के बाद भी उच्च गति से दौड़ने की योग्यता है यह हमारा स्पीड इन्दोरेंस है चाल सहनशीलता है दो गामक क्रियाओं का योग होता है यह चक्रीय और प्लस अचक्रीय चक्रीय खेलों में इसका प्रयोग उच्च चाल पर लगातार गति करने के लिए थकान की स्थिति में किया जाता है अचक्रीय खेलों में क्या होता है

अब बात करती हूं कि गति को विकसित करने की विधियां दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो गति को विकसित करने की दोस्तों दो मुख्य रूप से विधियां होती हैं एक आपका होता है एक्सीलरेशन रेस एक होता है आपका पेस रेस एक्सीलरेशन रेस यानी तोरण दो पेस रेस यानी एक एक्सीलरेशन रेस और पेस रेस दोस्तों इन दोनों के बारे में आपको जानना है कई बार पूछा जाता है सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस प्रकार की दौड़ में स्पीड को विकसित करने की लिए खिलाड़ी जो है कुछ दूरी पहले कुछ दूरी पहले, पहले तेजी से दौड़ता है फिर वह अपनी स्पीड स्लो करके धीरे धीरे दौड़ता है कैसे यानी कि जो भी संकेत मिला बंदूक का वो अपना एबिलिटी लगाया यानी प्रतिक्रिया किया प्रतिक्रिया करने के बाद तुरंत तेजी से कम से कम समय में गति प्राप्त किया यानी कि छह सेकेंड तक कम से कम कम खिलाड़ी कम से कम खिलाड़ी छह सेकेंड में अधिकतम गति प्राप्त कर लेता है एक्सलेशन एबिलिटी में तो छह सेकेंड यानी कि बीस से चालीस मीटर अधिक कम से कम अधिकतम साठ मीटर दौड़ छह सेकंड में वह अधिकतम गति इतना दूरी तय कर लेता है और इसके बाद उसकी जो गति होती है स्लो करके धीरे धीरे दौड़ता है तो यही है जो शुरुआती छह सेकेंड की अधिकतम कम से कम समय में अधिकतम गति प्राप्त करने की जो योग्यता विकसित करता है यही हम हमारे क्या होता है एक्सीलरेशन रेस होता है ये ज्यादातर तो फर्राटा दौड़ में स्टार्ट पर आधारित होती है इसके क्या होता है इसमें खिलाड़ी जो है रिकवरी के बाद दूसरा दु प्रयास किया जाता है इसमें जब इसको विकसित किया जाता है, है तो रिकवरी के बाद दूसरा प्रयास किया जाता है, है।, है तो दोस्तों आप तो समझ ही गएंगे एबिलिटी क्या है कम से कम संभावित समय में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता दूसरा होता है पेस रेस यानी गति को विकसित करने की दूसरी विधि है सबसे प्रभावशाली पेस रेस। पेस रेस क्या होता है कि एक कोई भी दौड़ हो पेस गति की दौड़ने में शुरुआत से अंत तक एक ही गति यानी स्पीड बनाए रखना जैसे हम दौड़ रहे हैं तो शुरुआत से अंत तक हमारा जो स्पीड रहेगा एक ही गति से गति के आसपास रहेगा न बहुत तेज न बहुत ज्यादा मतलब जिस स्पीड से हम चल रहे हैं वही स्पीड हमारा शुरू से अंत तक रहेगा यही हमारा पेस रेस होता है कि कहने का मेरे तात्पर्य है कि कोई भी कि खिलाड़ी कोई भी खिलाड़ी अपनी अधिकतम गति 300 मीटर तक ही रख सकता है उससे अधिक की दौड़ो में एक निश्चित गति से दौड़ा जाता है यानी कि पेस गति की दौड़े शुरुआत से अंत तक एक ही गति यानी स्पीड से दौड़ी जाती है यानी शुरू से अंत तक उस गति को जिस गति से आप दौड़ रहे हैं उसको बरकरार रखा जाता है बनाए रखा जाता है यानी सर्वोत्तम उदाहरण इसका है 800-1500 मीटर दौड़ खिलाड़ी अपनी ऊर्जा इसमें बरकरार खिलाड़ी अपनी ऊर्जा इसमें बचाए रखता है नेक्स्ट राउंड के लिए जैसे आठ सौ मीटर का दौड़ है चार सौ मीटर का ट्रैक है एक चक्कर वो लगाया अगर एक चक्कर में ही वो थक जाएगा नहीं ऊर्जा बचेगा नेक्स्ट राउंड लगाने के लिए तो वो कैसे दौड़ेगा इसलिए एक समान गति को शुरू से लास्ट तक बनाए रखा जाता है कि नेक्स्ट राउंड लगाने के लिए हमारे पास ऊर्जा बची रहे तो इसको मेंटेन करके चला जाता है आपके पेस रेस में दोस्तों आप समझ गए होंगे कि गति को विकसित करने की दो विधिया एक्सीलरेशन रेस एंड पेस रेस के बारे में एंड गति क्या है कितने प्रकार की होती है इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों इस पार से जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मुझे आशा है कि आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुपों एंड सोशल मीडिया जहां भी आपका लिंक वहाँ शेयर कीजिए जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी करता होगा वहां पे शेयर कीजिए एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए एंड दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को को सब्सक्राइब कर कर लीजिए लीजिए बेल आइकन भी प्रेस जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय योग्यता आपकी कंपोनेंट्स आप स्पोर्ट ट्रेनिंग के लास्ट कंपोनेंट्स होगा आपका कोऑर्डिनेशन जो नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा तो आप नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद